بسم الله الرحمن الرحيم कल आप लोगों ने दो सूरतें पढ़ ली थी कि जहां मफूल मुतलक पहले वाले जुमले का मज़मून वाक़े हो और उस जुमले में उस मफूल मुतलक वाले माना और मज़मून के अलावा कोई और इहतमाल ना हो, तो वहां उस मफूल मुतलक से उसके फ़ैल नासिब को हज़ब करना वाजिब है। जैसे इसकी मिसाल आप लोगों ने पढ़ ली थी, लहू अलैया अल्फ दिरहमिन एतराफन। दूसरी सूरत ये पढ़ ली थी कि वो मफूल मुतलक जो अपने से पहले वाले जुमला का मज़मून वाक़े है, लेकिन उस जुमला की सूरत हाल यह है कि उस जुमला में इस मफूल मुतलक वाला माना भी पाया जा रहा है और इस माना के अलावा किसी और माना का भी इहतमाल हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मफूल मुतलक के फ़ैल नासिब को हज़ब करना वाजिब है। उसकी सूरत और उसकी मिसाल कल आप लोगों ने पढ़ ली थी, इसका तर्जुमा देख लो। वमिनहा, और उन सूरतों में से, उन मवाज़े में से, मा वक़ा, उस मफूल मुतलक की जगह है जो मज़मून जुमला वाक़े हो, ऐसा जुमला, लहा कि उस जुमला के लिए, लिहाज़िहिल जुमलती, ये इसके लिए वो क्या है, ज़मीर का मर्जी मुतय्यन फरमाया है, मुहतमलुन गैरुहु, इहतमाल हो उसके अलावा, किसके अलावा, मफूल मुतलक के अलावा। जैसे इसकी मिसाल है, ज़ैदुन क़ाइमुन हक्कन, ज़ैदुन क़ाइमुन हक्कन, ये हक्कन यहाँ पर मफूल मुतलक है, इससे पहले अहिक्कु फ़ेल है, अहिक्कु फ़ेल, ये पूरी इबारत यूँ हो जाएगी कि ज़ैदुन क़ाइमुन अहिक्कुहु हक्कन या अहिक्कु हक्कन, ज़ैदुन क़ाइमुन अहिक्कु हक्कन। ये अहिक्कु क्या है, आगे इसकी मानवी वजाहत जिक्र कर रहे हैं कि ये है हक्का यहिक्कु से, हक्का यहिक्कु, हक्का यहिक्कु का लफ्ज़ अरब लोग इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने माना लेना हो सबता और वजबा वाला, कोई चीज़ साबित हो जाए, कोई चीज़ वाजिब हो जाए, उसको वजूद मिल जाए, वो पक्का और मजबूत हो जाए, तो लिहाजा उस काम के लिए फिर वो क्या बोलते हैं, हक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हक्का यहिक्कु बोलते हैं। तो अहिक्कु हक्कन, ये इस माना में हो जाएगा कि जी मैं इस बात को यकीनी तौर पर साबित कर रहा हूँ, ये इसका माना हो जाएगा। फहक्कन, आगे से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका इंतबाक़ ज़िक्र किया कि फहक्कन मसदरुन, हक्कन यहाँ पर एक मसदर है, वक़ा मज़मून जुमला, जो कि जुमले का एक जुमले का मज़मून वाक़ है, और वो जुमला क्या है, वही कौलुहु ज़ैदुन क़ाइमुन, वो मातिन का ये कौल है ज़ैदुन क़ाइमुन। अब ज़ैदुन क़ाइमुन का मज़मून जुमला क्या हुआ, क़ियामु ज़ैद, समझ आ रही है, और हक्कन का भी क्या बना, हक्कन का जो मफूल मुतलक है हक्का यहिक्कु से क्या बात साबित कर रहे हैं, क़ियाम ज़ैद साबित कर रहे हैं, तो हक्का यहिक्कु से भी क़ियाम ज़ैद साबित है, ज़ैदुन क़ाइमुन से भी वो क़ियाम ज़ैद साबित है। तो फरमाते हैं कि वो जुमला ज़ैदुन क़ाइमुन है, वलहा मुहतमलुन गैरुहु, लेकिन इस जुमले का एक और भी इहतमाल है, इस जुमले का इस मफूल मुतलक के अलावा भी इहतमाल है, और वो इहतमाल क्या है, लिअन्नहा तहतमिलु अस्सिदका वलकिज़्बा वलहक्का वलबातिला, इसलिए कि ये ज़ैदुन क़ाइमुन जो है ये जुमला इस्मिया है, जुमला ख़बरिया है, और जुमला ख़बरिया वो सिदक़ और किज़ब का इसी तरीके पर जो है हक और बातिल का उसमें इहतमाल होता है, लिहाजा इस वजह से ये इहतमाल पाया गया। हक्कन से सिर्फ सिदक़ वाली बात है, और जो है वो हक्कन से सिर्फ हक वाली बात है, लेकिन चूँकि ज़ैदुन क़ाइमुन जुमला ख़बरिया है, उसमें इस सिदक़ और हक के साथ साथ किज़ब और बुतलान का भी क्या है, इहतमाल है। ठीक जी, वयुसम्मा, और इसका नाम रखा जाता है, आगे बिल्कुल पहली इबारत की तरह ही है कि युसम्मा फ़ेल मजहूल है, इसमें हुवा ज़मीर इसका नायब फ़ाइल है, तो वो हुवा ज़मीर से क्या मुराद है, आगे उसको वाज़े कर रहे हैं कि वयुसम्मा हाज़ा नवउ मिनल मफ़ूलिल मुतलक़ी, मफ़ूल मुतलक की इस नौ का नाम रखा जाता है, ताकीदन लिगैरिही, ताकीद लिगैरिही, ताकीद लिगैरिही नाम क्यों रखते हैं, कल आप लोगों को इसकी वजाहत समझाई थी।
कि पहली मिसाल में जो एतरफ़ एतराफ़न वाली सूरत है और इस मिसाल में जो लहू अलैहि अल्फ दिरहम, ये जो है कौन सी मिसाल है, ज़ैदुन क़ायमुन हक़्क़न, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि दोनों में ये बात मुश्तरक है कि जो मफ़ूल मुतलक़ का मज़मून है वो इससे पहले वाले जुमले का भी मज़मून है, लेकिन दोनों में फ़र्क आप लोग कल पढ़ चुके थे कि जी जो लहू अलैहि अल्फ़ दिरहम है उसका मज़मून बेआईनी ही वही है जो एतराफ़न का है, और इस लहू अलैहि अल्फ़ दिरहम में कोई और इहतमाल नहीं है। और जो ये मिसाल है ज़ैदुन क़ायमुन हक़्क़न, जो ज़ैदुन क़ायमुन से मज़मून जुमला साबित हो रहा है वही मज़मून जुमला हक़्क़न से भी साबित हो रहा है, लेकिन जो मज़मून हक़्क़न से साबित है उसमें और जो मज़मून ज़ैदुन क़ायमुन से साबित है उसमें फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है कि जी हक़्क़न से जो क़ियाम ज़ैद साबित है वो यकीनी है, वो कतई है, समझ आ रही है, उसमें किसी तरह का कोई इहतमाल नहीं है। और जो क़ियाम ज़ैद ज़ैदुन क़ायमुन से साबित है, चूँकि वो जुमला बेशक वो सच बोल रहा हो, बेशक वो हमारी आंखों के सामने हो, लेकिन अपनी ज़ात के एतबार से चूँकि ज़ैदुन क़ायमुन ये जुमला ख़बरिया है और जुमला ख़बरिया में सिदक और किज़ब का इहतमाल है, लिहाजा इस एतबार से क़ियाम ज़ैद वो ज़ैदुन क़ायमुन से जो साबित है वो यकीनी और कतई नहीं है, बल्कि वो इहतमाल के दर्जे में है। लिहाजा जो मसदर है वो मनसूस आले हो गया, जो मज़मून मसदर से साबित हो रहा है वो क्या बन गया, वो मनसूस आले, वो मुअक्किद है, वो क्या है, वो मुअक्किद। मुअक्किद किसको बोलते हैं, जो ताकीद कर रहा है, तो ताकीद कौन सी चीज़ में है, बोलो, एक है मज़मून जुमला जो माकबल वाले जुमले से साबित है, एक वो मज़मून है जो मफ़ूल मुतलक से साबित है। इसमें मुअक्किद और मुअक्कद कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो बाद वाला है उसको ताकीद भी बोलते हैं, उसको मुअक्किद भी बोलते हैं, और जो पहले वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुअक्कद बोलते हैं, उसकी ताकीद हो रही होती है। लिहाजा जो मुअक्किद है, जो क्या है, जो मुअक्किद है उससे जो मज़मून साबित है वो मनसूस आले है, और जो मुअक्कद है उससे जो मज़मून साबित है वो मनसूस आले नहीं है, वो क्या है, वो मुहतमल है। लिहाजा इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ताकीद लगैरी ही बोलते हैं। तर्जुमा देख लो, व युसम्मा ताकीदन लगैरी, और इसका नाम, इस किस्म का नाम रखा जाता है ताकीद लगैरी। अब ताकीद लगैरी कैसे, ताकीद तो अपने माना की होती है, जब भी आप ताकीद करते हैं तो कहते हैं कि जी हमने इस दूसरी बात से पहले की ताकीद की है, मतलब एक बात दो मरतबा ज़िक्र की है, एक माना दो मरतबा दिया, तो ताकीद लगैरी तो हो ही नहीं सकता, ताकीद लगैरी तो हो ही नहीं सकता। उसका अब लोगों ने कल भी जवाब पढ़ लिया था कि जी ज़ात के एतबार से दोनों एक हैं, ज़ात के एतबार से दोनों एक है, पहले से भी क़ियाम ज़ैद साबित है, दूसरे से भी क़ियाम ज़ैद साबित है, दोनों से क़ियाम ज़ैद साबित है, इस वजह से ज़ात के एतबार से दोनों एक हैं। लेकिन चूँकि हक़्क़न से जो क़ियाम ज़ैद साबित है वो मनसूस आले है, और जो ज़ैदुन क़ायमुन से क़ियाम ज़ैद साबित है वो मुहतमल है, लिहाजा फ़र्क एतबारी हुआ, मुग़ायरत जो है वो मुग़ायरत कैसे है, वो एतबारी है। तो आगे इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं, देखो, लिअन्नहु, इसलिए कि ये मफ़ऊल मुतलक, मिन हैसु हुआ मनसूसुन अली, इस हैसियत से कि वो मनसूस आले है, बिलफ़्ज़िल मसदर, मसदर के लफ्ज़ों के साथ, युअक्किदु नफ्सहु, ये अपने आप की ही ताकीद कर रहा है, जो मनसूस आले है वो अपनी ज़ात की ही वो ताकीर कर रहा है, लेकिन कैसे, मिन हैसु, लेकिन इस हैसियत से, हुआ मुहतमालुल जुमलती, जो कि जुमले का क्या है, मुहतमल है, समझ आ रही है। तो मफ़ूल मुतलक अपनी ज़ात वाले माने के ही ताकीर कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि मफ़ूल मुतलक में ये माना मनसूस आले दर्जा में है, और उससे पहले वाला जो जुमला है उसके अंदर ये माना वो इहतमाल के दर्जे में है, नस के दर्जे में नहीं है। फल मुअक्कदु, देखो, फल मुअक्कदु, मुअक्कद क्या चीज़ है, मुअक्कद आगे इसकी वजाहत जिक्र की है कि जी ये मुअक्कद है, मुअक्कद नहीं है। तो फरमाते फल मुअक्कदु इस्मा मफ़ूलिन, इस्मा मफ़ूलिन, मुअक्कद इस्म मफ़ूल होने की हालत में, मिन हैसु एतबारी वस्फिल इहतिमाली फीही, इसमें इहतिमाल की वसफ़ के एतबार की हैसियत से,
इस हैसियत से कि इसमें इहतमाल के वसफ का एतवार है। हाँ, आप लोगों ने पढ़ लिया जो मुअक्किद है उसमें इहतमाल है नहीं, वो मंसूस आले, जो मुअक्कद है उसमें क्या है, उसमें इहतमाल है। लिहाजा इस इहतमाल वाले माना के एतबार से फल मुअक्कदु, लिहाजा मुअक्कद इस हाल में कि वो इसम मफ़ूल है, मिन हैसु इस हैसियत से, मिन हैसु एतबारी वस्फ़िल इहतमाली फ़ीही इसमें इहतमाल के वसफ़ के एतबार से, इसमें इहतमाल के वसफ़ इहतमाल की हैसियत के एतबार से, युगायरु ये मुगायर है, अलमुअक्किदा किसके, मुअक्किद इसम फ़ाइल के सीगा से, मिन हैसु इस हैसियत से, अन्नहु मंसूसुन अलैहि बिल मसदर इस हैसियत से कि वो मंसूस अलैहि बिल मसदर है, वो मंसूस अलैहि है मसदर के साथ। समझ आ गई, यानी मुगायरत किस माना के एतबार से है, वो बात समझा रहे हैं कि जी मुगायरत और क़ियाम ज़ैद वाला माना वो ज़ैदुन क़ायमुन से भी साबित है, क़ियाम और क़ियाम ज़ैद वाला माना ये हक़न से भी साबित है, तो दोनों में ज़ाद के एतबार से यकसानियत है, लेकिन एतबारी फ़र्क है। वो एतबारी फ़र्क क्या है, एतबारी फ़र्क ये है कि जी क़ियाम ज़ैद ज़ैदुन क़ायमुन में मुहतमल है, इसमें वस्फ़ इहतमाल का एतबार है, और जो हक़न से साबित है उसमें इहतमाल का कोई एतबार नहीं, बल्कि वो क्या है, वो मंसूस आले है। लिहाजा ये ताकीदन लगैरी ही का ये मतलब हो जाएगा कि जी ये ताकीद लगैरी ही है, ये क्या है, ये ताकीद लगैरी ही है इस एतबार से। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने ताकीदन लगैरी ही का एक और मफहूम ज़िक्र किया, आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने ताकीद लगैरी ही का एक और मफहूम ज़िक्र किया है, और वो ये है कि यह इबारत बेहस्फिल मुज़ाफ़ है, यह इबारत बेहस्फिल मुज़ाफ़ है, पूरी इबारत यूँ है कि ताकीदन लिअजल गैरिही, लाम है, लाम को अपनी जगह रखेंगे, गैर ये मुज़ाफ़ इले हो जाएगा, और इसका मुज़ाफ़ यहाँ पर क्या बनाएंगे, अजल बनाएंगे, तो यूँ इबारत बन जाएगी वयुसम्मा ताकीदन लिअजली गैरिही, वयुसम्मा ताकीदन लिअजली गैरिही। ये अगर लिअजल गैरी ही निकालें तो फिर क्या मतलब होगा इसका, अगर इसका मकसूद और इसका इसकी इबारत जो है वो हम अजल के लफ्ज़ के साथ बनाएं तो फिर क्या मतलब होगा, मतलब इसका यूँ हो जाएगा कि जी इस एतबार से ये ताकीद लिनफ़्सी ही है, इस एतबार से ये ताकीद की कौन सी सूरत हो जाएगी, लिनफ़्सी ही है कि जी अपने आप की ताकीद कर रहा है, क्यों कर रहा है, लिअजल गैरी ही, लिअजल गैरी ही के बाद और इबारत भी है, लिअजल इंदिफाई गैरी ही, लिअजल इंदिफाई गैरी ही, गैर को दूर करने के लिए, गैर को जब आपने कहा ज़ैदुन क़ायमुन, इसमें क़ियाम ज़ैद का भी इहतमाल है और उसके अदम का भी इहतमाल है, लेकिन जब आ गया साथ में हक़न, जब साथ में क्या आ गया, हक़न आ गया, तो हक़न ने क्या कर लिया, ज़ैदुन क़ायमुन में दो इहतमाल थे, एक हक़न वाले माने का इहतमाल था और एक हक़न वाले माने के अलावा का इहतमाल था, तो हक़न ने आकर क्या कर दिया, जो उसका अपना माना था उसको बना दिया पक्का, और जो गैर वाला माना था यानी आदमी क़ियाम वाला कि जी जुमला खबरिया है इसमें किज़ब का भी इहतमाल है, तो हक़न ने आकर क्या कर दिया, उस इहतमाल को ख़त्म कर दिया। तो ये है लिअजली इंदिफाई गैरी ही, कि ये भी ताकीद लिनफ़्सी ही है, लेकिन इसमें और दूसरी सूरत में फ़र्क ये है कि लिअजली गैरी ही है, ये लिअजली गैरी ही है कि जी एक और बात का, एक और माना का चूंकि इहतमाल था, इस मफ़ूल मुतलक ने आकर उस इहतमाल को क्या कर दिया, वो दूर कर दिया, तो ये इसका माना यहाँ पर यूँ हो सकता है। देखो वयहतमिलु और ये भी इहतमाल है, वयहतमिलु और ये भी इहतमाल है, अन यकून अल मुरादु कि मुराद ये हो, अन्नहु ताकीदुन लिअजली गैरी ही, हाँ ये गैर के लिए क्या है, गैर के लिए ताकीद है, लियंदफिआ ताकि वो गैर क्या हो जाए, बोलो ताकि वो गैर दफ़ा हो जाए, ताकि वो गैर क्या हो जाए, दफ़ा हो जाए, दूर हो जाए, इस माना का जो इहतमाल है वो ख़त्म हो जाए।
तो ये इसका माना हो सकता है। वो कहते हैं कि जी अगर आप लिगैरिही को लिअजलिगैरिही की माना में करते हैं तो फिर पहले वाले को भी इसी तरह बनाओ, पहले वाले को भी। पहली सूरत क्या थी, वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया था कि ताकीद लिनफ्सी ही है, हाँ ताकीद लिनफ्सी ही है और ये ताकीद लिगैरिही है। तो यहाँ पर आपने अजल का लफ्ज़ निकाला तो पहले में भी क्या कर लो, अजल का लफ्ज़ निकालो, दोनों एक साथ हैं, मुश्तरक भी हैं बहुत सारी बातों में, तो इसमें भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, वो बराबरी हो जाएगी। अब वहाँ पर जब हम ले अजल का लफ्ज़ निकालते हैं और यूँ कहते हैं ले अजल नफ्सी ही का मतलब ये है, ताकीद लिनफ्सी ही का मतलब ये है कि अजल महजूब निकाल कर यूँ कहेंगे कि वयुसम्मा ताकीदन ले अजली नफ्सी ही, वयुसम्मा ताकीदन ले अजली नफ्सी ही अगर बनाए तो मतलब क्या हो जाएगा कि जी इसका नाम ताकीद रखा जाता है अपनी ज़ात के लिए, ले अजली नफ्सी ही अपनी ज़ात के लिए ताकीद है ताकि ये पुख्ता हो जाए, मुकर्रर हो जाए और इस तरह जो है इसमें पुख्तगी आ जाए। तो ये महज़ तकाबुल के लिए ज़िक्र किया, ये महज़ किसके लिए, तकाबुल के लिए कि चलो दोनों एक साथ हैं, हाँ इसका नाम भी ताकीद है उसका नाम भी ताकीद है, इसका लिनफ्सी ही है उसका लिगैरिही है, तो जब लिगैरिही में आप अजल के लफ्ज़ को मानते हैं तो फिर लिनफ्सी में भी अजल के लफ्ज़ को मान लेना चाहिए। देखो वयहतमिलु और ये भी इहतमाल है, अयकून अलमुरादु के मुराद ये हो, अन्नहु ताकीदुन लिअजली गैरिही कि ये ताकीद है गैर के लिए, लिअजली गैरिही ये अजल का लफ्ज़ निकाले, लियंदफिआ ताकि वो गैर दूर हो जाए। वाला हाजा और इस तफसील के मुताबिक यम्बगी मुनासिब है, वाला हाजा यम्बगी इस वजाहत के मुताबिक मुनासिब है, अन यकून अलमुरादु बिताकीद लिनफ्सिही के ताकीद लिनफ्सिही से भी मुराद यूँ हो, अन्नहु ताकीदुन लिअजली नफ्सिही कि ये भी लिअजली नफ्सिही ताकीद है, लियतकर्ररा वयतकर्ररा ताकि इसका तकरार हो, हाँ ताकीद की वजह से और वो पुख्ता हो जाए। तो ये क्यों करेंगे, हत्ता यहसुना अत्तकाबुलु यहाँ तक ये तकाबुल क्या हो जाए, क्योंकि आपने दो किस्में बना ली, दो किस्में आपने एक दूसरे के आमने सामने रखी है कि जी ये ताकीद लिनफ्सी ही है वो ताकीद लिगैरी ही है, तो जब आपने दो चीज़ों को मद्द मुकाबिल बना दिया तो दो चीज़ों को मद्द मुकाबिल बनाने के लिए ये फिर ज़्यादा बेहतर है कि जब आप यहाँ पर अजल का लफ्ज़ निकाल दें तो वहाँ पर भी क्या कर लो, अजल का लफ्ज़ निकाल लो। जी कुछ पता चला, बोले कुछ नहीं पता चला, समझ आ गई सूरत की, आगे वमिनहा मा वक़ा मुसन्नन, आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने मफ़ूल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को वजूबी तौर पर हज़्फ़ करने की एक और सूरत बयान फरमाई है, और वो ये है कि हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ूल मुतलक़ को मुसन्ना वाक़ हो, जहाँ पर मफ़ूल, ये सनाउल्लाह क्या लिख रहा है आज, सबक लिख रहे हो हैं, क्या लिख रहा है, देखो भाई कसर, कापी दें इसकी ज़रा मुझे, कोई वर्का नहीं उलटना, क्या लिख रहे हो, तफसीर कौन पढ़ाते हैं, क्या काम जिम्मे लगाया, ये क्या लिख रहे हो, खड़े हो जाओ और कान पकड़ लो, कुम बिइज़्निल्लाह व कुन दीकन, क्या कुम बिइज़्निल्लाह व कुन दीकन, दीक तो बने ही नहीं है, मुर्गा बन जाओ, मुर्गा, मुर्गा कैसे बनते हैं, मुर्गे में और तेरे में फ़र्क यह है कि मुर्गा बड़ा बड़ी बेहतरीन चीज़ है, हाँ मुरगन करके खाओ बड़ा मज़ा आता है उसके खाने का, हैं और इसमें इस तरह की कोई भी खूबी नहीं है, इसकी शक्ल सिर्फ मुर्गे की बन जाएगी बस।
आज गलती से टाइम पे आ ही गया है, तो चलो पढ़ लो। मैं बात करके आपका वैसे इस क्लास से नाम कटवा देता हूँ। नाम क्लास से कट जाएगा तो मदरसे से भी इंशाल्लाह कट जाएगा, हैं, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। वमिन्हा मा वका मुसन्नन, एक और सूरत जो इन सूरतों में से सबसे आखिरी है, और वो ये है कि मफूल मुतलक तस्निया वाक़ हो, मुसन्ना वाक़ हो। मफूल मुतलक क्या वाक़ हो? मुसन्ना वाक़ हो, तो वहाँ पर भी मफूल मुतलक के फ़ेल नासिब को हज़ब करना वाजिब है। इस पर आगे चंद एतराज़ात हैं, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सूरत बयान फरमाई है। मुसन्ना की मिसालें दो दी हैं, लब्बैक और सादिक। क्या मिसालें दी हैं? लब्बैक का और सादिक का। शरह देख लें, फिर मुकम्मल तौर पर इसकी सूरत का तारुफ़ जो है वो हो जाएगा। वमिन्हा मा वका मुसन्नन, और उन मवाज़े में से उस मफूल मुतलक की जगह है जो मुसन्ना वाक़ हो। जो क्या वाक़ हो? मुसन्ना। अय अला सीगति तस्नियति व इल्लम यकुन लितस्नियति बल लितकरीरी व तकसीरी। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक शिक की वजाहत फरमाई है, और इसको एक एतराज़ की शक्ल में वो ज़िक्र करें आप लोग। वो ये है कि जी आपने कहा कि वो मकाम जहाँ पर मफूल मुतलक क्या हो? मुसन्ना वाक़ हो। तो मुसन्ना किसको बोलते हैं? मुफरद के आखिर में अलिफ और नून, या अलिफ और या माकबल मफतू लगा दे, ये उसकी लफ्ज़ हयात है, और वो दो वाले माना पर दलालत करे। वो क्या करे? मुसन्ना तो दो चीज़ों का नाम है ना, लफ्ज़ का भी नाम है और माना का भी नाम है। तो मुसन्ना किसको बोलते हैं? मुफरद के आखिर में अलिफ और नून, या और नून लगा दे, और उसका तर्जुमा क्या हो? दो हो। दो मिसालें आप लोगों ने दी है, सादिक का और लब्बैक का। लब्बैक और सादिक ज़ाहिरी एतवार से तो तस्निया है, वो कैसे है वो आप लोग पढ़ लेंगे, ये बता रहे हैं। लेकिन इसका जो माना है वो दो वाला नहीं है, हैं। आप हरम शरीफ में जाते हैं, अल्लाह सबको बार बार ले जाए, वहाँ पर आप क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह मैं सिर्फ दो मरतबा हाजिर हूँ? लब्बैक का कमाना क्या होता है? कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। किस चीज़ के लिए? आपके इताअत के लिए, आपके अब जो है वो हुक्म को मानने के लिए। तो लब्बैक का तर्जुमा अगर हम दो मरतबा करते हैं तो ये तो वैसे ही मुनासिब नहीं है कि जी दो मरतबा पानी ले कर आऊँगा, उसके बाद नहीं लेके आऊँगा, हैं। तो ये तो इताअत नहीं हुई, ये तो अपनी मनमानी हुई। तो लब्बैक का ये तस्निया है। लब्बैक का क्या है? ये तस्निया है सिर्फ लफ्ज़ी एतबार से, मानवीय एतबार से तो ये नहीं है, बल्कि मानवीय एतबार से तो यहाँ पर तकरार और कसरत है, बार बार हाजिर हूँ। या अल्लाह जब भी आपकी तरफ से पैगाम आएगा मैं हाजिर हूँ, आपकी तरफ से पैगाम ना भी हो मेरा मुतालबा ये है, मेरी चाहत यह है कि मैं बार बार क्या हूँ। ये तो कसरत वाला माना दे रहा है। तो एतराज़ हुआ कि आपने कहा मफूल मुतलक क्या हो? मुसन्ना दो चीज़ों का नाम है, दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, लफ्ज़ी एतबार से और मानवी एतबार से। उसका जवाब दिया कि जी मुसन्ना से मुराद आला सीगति तस्निया मुराद है। लफ्ज़न मुसन्ना होना ज़रूरी है, लफ्ज़न मुसन्ना होना ज़रूरी है, मानन वो मुसन्ना ना हो ये ज़रूरी है। लफ्ज़न मुसन्ना ज़रूरी है और मानना मुसन्ना ना हो ये ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई यूँ एतराज़ कर दे ज़रबा ज़रबैनी, दो मरतबा उसको मारा, कितनी मरतबा? ज़रबा ज़रबैन। ये ज़रबैन तो तस्निया है, मुसन्ना है, तो ज़रबा को तो ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रबा लफ्ज़ों में मौजूद है। उसका जवाब क्या देते हैं आप लोगों को दिया कि जी दो बातें, एक का होना ज़रूरी और एक का ना होना ज़रूरी। लफ्ज़ी एतबार से तस्निया का होना ज़रूरी, मानवी एतबार से तस्निया का ना होना ज़रूरी है। लिहाजा ज़रबैन ये लफ्ज़न भी तस्निया है और मानन भी तस्निया है। तो ज़रूरी है कि लफ्ज़ी एतबार से तस्निया हो और मानवी एतबार से वो कसरत पर दलालत करे, तकरार पर दलालत करे, बार बार होने पर दलालत करे। लिहाजा ये एतराज़ अब नहीं रहा। देखो
अला सीगत तस्नियती, जो तस्निया के सीगा पर हो। वइन लम यकुन लितस्नियती, अगरचे वो तस्निया के लिए ना हो। बल लितकरीरी व तकसीरी, बल्कि वो किसके लिए हो? तकरार और कसरत के लिए हो। अब आगे इस पर एक और एतराज़ शारह की तरफ से मातिन पर, एक और एतराज़ शारह की तरफ से मातिन पर। क्या एतराज़ है जी? एतराज़ यह है, आपने ये कायदा मुकम्मल नहीं लिखा, आपने अपने उस्तादों से ये कायदा जैसे पढ़ा था वैसे नहीं लिखा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो उसमें रह गई, और वो ये है कि ये मुसन्ना जो मफ़ूल मुतलक वाक़े है, ये मुजाफ हो फ़ाइल की तरफ या मफ़ूल की तरफ। जब तक ये मुजाफ ना हो फ़ाइल की तरफ या मफ़ूल की तरफ, इसके फ़ेल नासिब को हज़ब करना वाजिब नहीं है। एक कैद का पाया जाना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा मुसन्ना जो तकरार और कसरत पर दलालत करे काफ़ी नहीं। और इसको भी उठाओ, क्या तुम लोग रात को करके आए हो? देखो, खड़े हो जाओ, रात को क्या किया तुम लोगों ने? खैर है, वो रात तो दूर है, अभी मनाने वाली रात तो दूर है, हैं कि तुम लोगों की रात पहले होती है, वो हैं पहले भी होती है, हैं आज ऐसे नहीं ना रही है जैसे रात कोई मसरूफ रहे हो। क्यों सनाउल्ला, खड़े हो जाओ। चल बैठ जाओ जी। एतराज़ क्या हुआ? इसको भी उठा लिया करो कभी कभार, ये वलीउल्लाह को, ये मुस्तकिल सोने वाली मखलूक है अल्लाह ताला की। कायदे की सूरत क्या हुई कि जी वो मफ़ूल मुतलक जो मुसन्ना वाक़े हो, मतलब लफ्ज़ी एतबार से मुसन्ना है, उसका माना कसरत और तकरार पर हो दलालत करे, और वो मुजाब होकर इस्तेमाल हो किसकी तरफ हो? यही वजह है कि अब लोग सूरतुल मुल्क में पढ़ते हैं सुमरजिल बसरा कर्रतैनि, सुमरजिल बसरा, ये कर्रतैनि यहाँ लफ्ज़न तस्निया है, मानन कसरत के लिए है, लेकिन फिर भी इरजिअ फ़ेल लफ्ज़ों में मौजूद है। इरजिअ फ़ेल हो तो हज़ब होना तो वाजिब है, फिर ये हज़ब क्यों नहीं हो रहा? तो उसका जवाब आप लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? वो बात कि जी जिसको मातिन ने ज़िक्र नहीं की, कौन सी बात है? कि जी मुजाफ इलल फ़ाइल या मफ़ूल होना ज़रूरी है, तो मातिन ने ये कैद ज़िक्र नहीं की, तो शारह ने उनको भी माफ़ नहीं किया और उनके ऊपर वाज़े तौर पर एतराज़ किया। अब इस एतराज़ को हटाने के लिए साहिबी किताब से बाज़ लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, उनके यहाँ भी ये कैद मलहूज़ है, बड़े आदमी हैं, हैं तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अल्लामा इब्न हाजिब का इतना नाम है नहव में, तो वो फरमाते हैं कि जी आगे मिसालों की तरफ देखें। दो मिसालें दी हैं, कितनी मिसालें दी हैं? लब्बैक और वो दोनों मुजाब होकर इस्तेमाल हैं, वो दोनों। तो उन्होंने जवाब दिया शारे से इस मातिन से इस एतराज़ को हटाने के लिए, क्या जवाब दिया कि जी उन्होंने आधा कायदा मतन में ज़िक्र किया और इस एक शिक की तरफ इशारा किया मिसाल से, कि मिसालें दो ऐसी दी हैं कि जिसमें ये मफ़ूल मुतलक मुसन्ना है और ये मुजाफ होकर वाक़े है, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि जी ऊपर वाली शर्तें भी ज़रूरी हैं और उसका मुजाफ होना भी क्या है, वो ज़रूरी है। तो इशारे फरमाते हैं कि ये तकल्लुफ है, ये शख्सियत परस्ती है, ये क्या है? ये शख्सियत परस्ती है और हम इसके कायल नहीं हैं, इस वजह से ये तकल्लुफ है, ये एवें ही है। ये क्या है? इशारे फरमाते हैं एवें ही। देखो तो फरमाते हैं कि वलाबुद्दा, ज़रूरी है, फ़ी तत्मीमी हाज़िहिल क़ाइदती, इस क़ायदा की तकमील के लिए, और ज़रूरी है इस क़ायदा की तकमील के लिए, मिन क़ैदिल इज़ाफ़ती, इजाफ़त की क़ैद का, यानी यूँ इबारत होनी चाहिए थी कि मुसन्नन मुजाफ़न इलल फ़ाइली अवल मफ़ऊली, कि ऐसा मुसन्ना हो जो कि मुजाफ़ हो किसकी तरफ़?
फ़ाइल या मफ़ूल की तरफ ले अल्लाह यरीदा ताकि एतराज़ वारिद ना हो जाए अल्लाह ताला के इस कौल के साथ सुम्मर जाइल बसरा कर रतनी बार बार नज़रें लौटा के देखो बार बार नज़रें लौटा कर देखो किसी जगह कोई कमी नज़र नहीं आएगी सिवाय इंसान के जो अपने करतूतों से क्या करता है खराबियाँ करता रहता है अल्लाह के निज़ाम में कोई गड़बड़ नहीं है। आई रजअन मुकररन कसीरन ये कर्रतैन का माना जिक्र करते हैं एक तो ये बात दूसरी बात यह है कि रजअन का लफ्ज़ जिक्र किया रजअन का लफ्ज़ के जी कर्रतैन को आप इरजिया से कैसे मफ़ूल मुल्लक बना सकते हैं कर्रतैन को इरजिया से किस कायदे के मुताबिक बना सकते हैं क्यों बना सकते हैं दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है कर्रतन और रजअतन का कोई ताल्लुक है आपस में तो नहीं है तो ये रजान का लफ्ज़ निकाला है कि यहाँ पर मौसूफ़ महजूब है और ये उस मफ़ूल मतलब के कायम मकाम है यानी ऐसा लौटाना रजान मुकररन कसीरन जो तकरार के साथ बहुत ज़्यादा हो बार बार हो। अब आगे वो जो बाज़ लोगों ने इसका हल निकाला है उसका जवाब वफ़ी जालिल मिसाल मिन ततिम्मत तारीफ़ी और मिसाल को तारीफ़ के ततिम्मा से बनाना यूँ कहना कि आधा कायदा मतन में है और आधा मिसाल से समझाने के लिए दिया है तो फरमाते हैं लिफादत हाजल कैदी इस कैद का फ़ायदा देने के लिए तकल्लुफ़ुन इसमें क्या है ये तकल्लुफ़ है हम इसको नहीं मानते। दो मिसालें दी हैं लब्बैक का और सादिक अब इसकी असल जिक्र कर रहे हैं कि लब्बैक का असल में यूँ है उलिब्बु लका इल्बाबैन लम्बई का असल में क्या है ओलिबोला का इल्बाबैनी अब ओलिबोला का इल्बाबैन का माना क्या है और फिर ये लम्बई का कैसे बना शारह ने आगे उसको ज़िक्र किया कि इसका माना यूँ है उकीमुल खिदमती का वम्तिसाल अमरीका वाला अबरहु अन मकानी इकामतन कसीरतन मुततालियतन ये ओलिबोला का इल्बाबैन का माना है क्या माना है उकीमुल खिदमत का मैं कायम हूँ आपकी खिदमत के लिए वम्तिसाल अमरीका और आपके अहकामात को बजा लाने के लिए वला अब रहो और मैं नहीं हटूँगा अन मकानी अपनी जगह से हमेशा और मुसलसल आपकी खिदमत में आपके अहकामात के मानने के लिए मैं हाजिर और मुस्तैद हूँ इकामतन कसीरतन मुततालियतन ये उसका माना है जो तकरार और कसरत वाला माना ऐसा कायम होना जो बहुत ज़्यादा कसीर हो और मुततालियतन क्या हो पे दर पे हो मुततालिया का माना क्या है पे दर पे होना समझ आ रही है तो ये उलिबुला का लब्बई का माना है लब्बई का माना क्या हुआ कि जी आपके जो है वो अहकामात को मानने के लिए आपकी दीन की खिदमत के लिए आपकी बात को मानने के लिए मैं बार बार हाजिर हूँ फहुजिफा अब आगे लब्बई का बनाने का तरीका जिक्र कर रहे हैं कि असल में उलिबुला का इल्बाबैन है फहुजिफल फ़ेल हो सबसे पहले फ़ेल को आज़म किया गया तो क्या बना लका इल्बाबैन हो गया फिर लका को पहले जिक्र करना मुनासिब नहीं है तो क्या कर दिया इल्बाबैन को पहले जिक्र किया इल्बाबैनी लका हो जाएगा इल्बाबैनी लका में एक और तब्दीली ये करनी है कि इल्बाब ये बाब इफ़ाल का मसदर है इसको मुजर्रद बना दिया इसको क्या बना दिया पहली तब्दीली क्या की फ़ेल को अजब कर लिया इल्बाबैन को उसकी जगह पर रखा और फिर क्या किया इल्बाब जो मज़ीद फी है उसको मुजर्रद बना दिया और ये जो लका है इसके लाम को हज़म करके ये बना दिया इसका मुजाफ इले ये काब ज़मीर को इसका मुजाफ इले तो लब्बैनी लका था क्या था इल्बाबैन को हमने जब इल्बाब को लब्बुन के माना में कर दिया तो ये लब्बैनी लका हो जाएगा लाम लब्बैन ये जो लका है इसे लाम को हटा दिया लब्बैन में नून तस्निया का है इजाफर की वजह से नूनी तस्निया गिर जाएगा तो ये बन जाएगा लब्बैका क्या बन जाएगा देखो फहुज़िफ़ल फ़ेलु फ़ेल को हज़म कर लिया गया वक़ीम अलमसदरु मुक़ामहु और मसदर को उसके क़ायम मकाम बना दिया गया वरुद्द इला सुलासी और इस मसदर को सुलासी की तरफ लुटा लिया गया बेहस्फ़ ज़वाइदी ही उसके ज़ायद हरूफ को हज़म कर लेने के साथ सुम्मा हुज़िफ़ा हरफुल जर्री फिर हरफ़ जर को हज़म कर लिया गया मिनल मफ़ऊली
इससे मफ़ूल से यानी जो काफ ज़मीर है। व उज़ीफ़ा अलमसदर इलैही और मसदर की इजाफत कर ली गई इलैही उसकी तरफ, किसकी तरफ हो उस काफ की तरफ। तो ये एक सूरत ये है। दूसरी इसके अंदर एक वजाहत ये भी है कि ये लब्बा बिल मकान से हो, किससे हो, ये लब्बैन में जो लब्बैन है ये लब्बा से ही है, ये मजीद फी से नहीं है बल्कि क्या है, ये मुजर्रद से ही है। लिहाजा अब क्या तब्दीलियाँ करेंगे, अब वही फ़ेल को पहले हज़फ़ कर लेंगे, अब ये चूँकि लब्बैन बजाते ख़ुद है, हाँ मुजर्रद है, तो इसको मजीद से वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी वजाहत वही हो जाएगी। व यजूज़ु और ये भी जायज़ है, अन यकूना मिन लब्बा बिल मकान, कि ये लब्बा बिल मकान से, लब्बा बिल मकान का मतलब किसी जगह में हाज़िरी देना, किसी मकान में क्या कर देना, हाज़िरी करना, ये अलब्बा के माने में ही हो जाएगा। फलायकून महजूफ अज़वाइद, लिहाजा ये जो लब्बैका है ये महजूफ अज़वाइद नहीं होगा, यानी इसमें जो जायद हरूफ है अब उसको हज़फ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाला हाज़ल क़ियासी और इसी क़ियास पर सादे का भी है, इसी क़ियास पर क्या है, सादे का, यानी असल में क्या था, पहले जो इसका माना जिक्र किया उस अदो का इसादन बाद इसादिन बिमाना उईनों का, इसाद बमाना इआनत है, इसाद बमाना क्या है, मदद करना, तो सादे का माना क्या है कि जी मैं आपका बार बार मदद करता रहूँ, मैं आपके साथ बार बार मुआवनत का मामला करूँगा, बार बार आपके लिए मैं मुआविन होऊंगा, आपका मददगार होऊंगा, तो उस अदो का इसादन बाद इसादन, मैं आपकी मदद करूँगा मदद के बाद पे दर पे मदद करना, तो ये इसका माना जो है वो हो जाएगा। तो फरमाते हैं कि हुआ इस्मुमा उस अदो का इसादन बाद इसादन, ये उईनों का के माना में है। अलबत्ता यानी इसकी वजाहत भी वही है कि इसकी असल क्या निकालेंगे, उस अदो का इस आ, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इलबाब है वहाँ पर लाम का इस्तेमाल होगा, उसकी असल यूँ निकाली थी उलिबू लका इलबाबैनी, इसकी असल निकलेगी उस अदो का इस आदैनी, एक लाम का फ़र्क पड़ना, बाकी दोनों की असल एक है। लब्बैन लब्बैका की असल क्या है, उलिबू लका इलबाबैन, और इसकी असल क्या है, उस अदो लका नहीं है बल्कि उस अदो का है, ये काफ ज़मीर बजाद ख़ुद इसका मफ़ूल हो जाएगा, लाम के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस अदो का इसादैन, उस अदो को हज़ब कर लेंगे, इसादैन को पहले ले आएंगे, काफ ज़मीर को उसके साथ लगा लेंगे, और इसाद ये मज़ीद फी है लिहाजा इसको मुजर्रद बना देंगे, तो ये सादे का इस अंदाज से बन जाएगा। पता चला, बोलो, नहीं पता चला, देखो लब्बैक का असल क्या निकाली थी, उलिब्बू लका इलबाबैन, फिर क्या किया, पहले उलिब्बू को हज़ब कर लिया, ठीक है, और फिर यू बना दिया इलबाबैन लका, क्या बना दिया, इलबाबैन लका, दो तब्दीलियाँ एक साथ कर लेते हैं कि इलबाबैन को लब्बैन के माना में कर लेते हैं, मुजर्रद बना लेते हैं, और लका में जो लाम है उसको हटा कर इसको मुजाफिले बना लेते हैं लब्बैन का, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लब्बैनी लका हो जाएगा, लाम गिर जाएगा लब्बैनी का हो जाएगा, नून इजाफत की वजह से गिर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लब्बैक का बन जाएगा। यही सूरत है उस अदो का इस आदैन की, पहले उस अदो फेल को हज़ब कर लिया तो इस आदैनी का हो जाएगा, काफ तो अलग से नहीं बना सकते ना, तो क्या हो जाएगा, इस आदैनी का, ठीक है। अब जब हम काफ के साथ इसको जोड़ते हैं तो इजाफत हो जाएगी, नून तस्नी इजाफत की वजह से गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसाद का हो जाएगा। फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि आखिर में इस इसाद को तब्दील कर लेते हैं किस में, सादेन में, मुजर्रद में, तो यूँ बन जाएगा सादेक। तो यूँ है उस अदो का इसादन बाद इसादन, ये वईनों का के माना में है, यानी बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। इल्ला अन्ना उस अदो, मगर ये फ़र्क है कि ये जो उस अदो या असादा का लफज है, यह तअद्दा बिनफ्सी ही, ये मुतअद्दी बिनफ्सी ही है, बिखिलाफी अलब्बा के, फ़इन्नहु यतअद्दा बिल्लाम, बस बेशक वो लाम है किसके साथ, वहाँ पर उलिब्बू लका है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस अदो लका नहीं होगा बल्कि उस अदो का हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है, बाकी एक बराबर है।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका मफूल मुतलक की सूरत ख़त्म हो गई, जहाँ पर उसके पहले नासिब को कियासी तौर पर हज़फ़ करना वाजिब है।